हड़ो हड़ो, आराम से आराम से आराम से, बेल्ट कहाँ है? आराम से शेरो, शेर आराम से चल, आराम से चल, आराम से चल, आराम से शेरो, मार खाएगा शेरा। सिम्बो रुक जा, सिम्बो सिम्बो, चल चल चल, आराम से आराम से, रोज घूमते हो ना बे, आराम से चल, इतनी खुशी, आराम से चल, इतनी आराम से चल। ये देखिए किस तरह से भाग के चले गए हैं दोनों दूर। बहुत लोगों का मेरे पास मैसेज आता है या आसपास के लोग भी जो देखते हैं वो पूछते हैं कि डॉबरमैन जैसे जो एनर्जेटिक ब्रीड के डॉग्स हैं वो आप फ्लैट में कैसे रखते हैं, आर दे मेंट टू बी इन द फ्लैट्स, इनके लिए तो ओपन स्पेस चाहिए है या फिर इनको बंगलो जैसा कोई घर चाहिए, ये फ्लैट के अंदर बंद टाइप के हो जाते हैं उससे ये बीमार होते हैं या यू नो लेम हो जाते हैं, क्या ये सारी बातें सही हैं? अब मैं आपको बताऊं तो मेरा सिम्बू आज 3 साल का हो रहा है, अगले महीने में क्या नाम है शेरा 2 साल का हो जाएगा। तो 2 साल से 3 साल से ये बच्चे मेरे पास है और इनको फ्लैट में रहने की वजह से जो चीज़ें हो सकती है उनमें से कोई चीज़ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो डॉबरमैन है आपका वो आप फ्लैट्स में कैसे रखते हैं, वो भी दो दो। तो इन सब के लिए मैं यही कहूँगी कि आप चाहे जहाँ पर भी रहे, आप चाहे बंगलों में रहिए, आप चाहे बंगलो फ्लैट में रहिए या किसी झोपड़ी में रहिए, चाहे क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उसकी जो ये बहुत एनर्जेटिक ब्रीड के डॉग्स है और उसकी एनर्जी अगर सही जगह पे कंज्यूम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वो डिस्ट्रक्शन मचाएंगे, आपके घर की चीज़ें ख़राब करेंगे और ये करते ही है। नॉट जस्ट दीज डॉबरमैन बट एनी ब्रीड ऑफ डॉग्स, कोई भी आप डॉग उठा के देख लीजिए, अगर उसकी एनर्जी सही डायरेक्शन में सही एक्शन में कंज्यूम नहीं हो रही है तो वो डिस्ट्रक्शन करेंगे, दैट इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत पहले से, लाइक सिम्बा जो है वो मेरा सिर्फ 1 मंथ का था जब मेरे पास आया था, अभी जितना बड़ा उसका चेहरा है उतना वो पूरा था, तो उतने टाइम से वो मेरे पास है और उसके आई थिंक 1.5 या 2 महीने का वो हो गया था, तब से हमने उसे कम से कम 5 से 6 किलोमीटर उसको हम रनिंग कराते थे। अमेजिंग। तो उसको रनिंग इतनी अच्छी है उसकी कि आज भी दूर से मतलब दूर से उसको कोई बर्ड दिखाई दे या कुछ भी ऐसे सस्पिशियस चीज़ दिखाई दे तो वो इतना तेज दौड़ता है कि खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, कि वो कहाँ से कहाँ चला गया। तो वो एक स्पीड होती है डॉबरमैन्स की जो यूजुअली ये डॉग्स के अंदर नहीं होती, बिकॉज रहते तो बंगलों में है लेकिन उनकी एक्सरसाइज ही नहीं करवाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट देयर एक्टिविटीज़, आप उनको कितनी एक्टिविटीज़ कराते हैं, रखिए फिर आप चाहे फ्लैट में रखिए या किसी वन रूम किचन में रखिए या किसी झोपड़ी में रखिए, वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप उनको कितनी एक्सरसाइज करवा रहे हैं और उनकी एनर्जी कहाँ पर कंज्यूम हो रही है। अब वो 6-7 किलोमीटर सुबह में दौड़ के अगर आ जाएंगे तो वो थक जाता है तो सो जाता है घर आने के बाद, है ना, तो उसकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में हम ड्राइव करते हैं एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग बोलते हैं कि हमारा डॉबरमैन तो हमारा कोई भी डॉग हमारे घर में डिस्ट्रक्शन मचाता है, दैट्स बिकॉज उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, वो डॉग थक नहीं रहा है, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए, और जब तक आप उससे कोई उसकी वैलिड एक्टिविटी नहीं करवाते और वो थक नहीं जाता, वो जाहिर सी बात है कि आप उसकी एनर्जी ये सारे डिस्ट्रक्शन में डालेगा, आपकी चप्पलें तोड़ देगा, आपका टेबल खा जाएगा, ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। नॉट दैट इसके एनर्जी कंज्यूम होने के बाद भी डॉग्स ये करते हैं, इवन माई पेट्स हैव ईटन माई बेड है, दैट हैपन्स, पर वो तब होता है जब आप प्रेजेंट नहीं हो घर पे या फिर उनका टाइम हो गया है कि वो बाहर जाने का उनका टाइम है या उनका खाना नहीं मिला है या उनको आसपास में कोई दिख नहीं रहा है तो उनको वियर्ड फीलिंग आ रही है, दैट हैपन्स। वो मेरे साथ भी होता है, अगर मैं ये सोच के जाऊँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं 4 बजे तक आ जाऊँगी, पर अगर मैं 7 बजे तक भी नहीं आती हूँ तो आई डेफिनेटली फाइंड समथिंग डिस्ट्रक्शन कि घर में कुछ तो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इधर दे ईट अवे माई चप्पल और समथिंग, एंड दैट डजंट कम विद ट्रेनिंग, वी हैव ट्रेन आवर डॉग्स टू दी बेस्ट।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको डॉग के बारे में जानकारी नहीं है या आपको उस बात से वाकिफ़ नहीं हो कि उसके साथ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो पहले आप उस सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही कोई भी पेट आप घर पे लाइए. नॉट जस्ट डॉग्स, नॉट जस्ट डॉबरमैन, बट एनी पेट, इट टेक्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इट. क्योंकि हर चीज़, मतलब सुबह के उठने के टाइम से लेकर के रात के सोने तक का जो टाइम टेबल है आपका, वो इन पेट्स के अकॉर्डिंग सेट होता है. नॉट दैट यू कैन सेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यू, यू नो. हाँ, मतलब आप उनको आदतें डाल सकते हो, नॉट एन इशू, बट पेट्स है, उनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी उनको सुसु लग सकती है, कभी भी उनको पॉटी जाना हो सकता है. सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू टेक देम आउट फॉर अ वॉक एवरी एनी टाइम ऑफ द डे. और देखिए, हर मौसम के हिसाब से उनके जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, तो बारिश के टाइम में उनको बाहर जाने लेके जाने में बड़ी दिक्कत आती है. तो उस समय मैंने देखा है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि अपने घर के वॉशरूम में उनको ट्रेन करें कि वहीं पे वो चले जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा. बट दैट्स नॉट द वे अ डॉबरमैन कैन लिव. हमने भी कोशिश की थी कि हम उसको घर में ट्रेन करें, इनिशियली हमने सोचा था, बट वो चीज़ नहीं हो सकती. आप ये समझिए कि पेट्स के लिए पूरे दिन में एक उसका वो हैप्पी आवर होता है जब आप उसको बाहर लेके जा रहे हैं. अगर आप उससे वो आज़ादी भी उसकी छीन लेंगे तो पेट तो बोल भी नहीं पाता है. व्हाट विल दैट सोल डू इनसाइड द होम? उसके मन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है. एक तो वो बात नहीं कर पाते हैं, और आप ये समझिए कि मैं आपको किसी दिन ये दिखाऊंगी कि इनको अगर मैं बोलती हूँ कि बाहर जाना है तो इनके चेहरे की खुशी और इनका जो कूदना कादना है, इनका जो हरकतें हैं इनकी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड ये लोग होते हैं सिर्फ बाहर जाने के नाम से, जो पूरे दिन वेट करते हैं हमारा कि हम उनको बाहर लेके जाएंगे. सो आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग अ पीप एंड पू इनसाइड द हाउस इज नॉट, इट्स आई एम वेरी अगेंस्ट इट. शेरा वहाँ पे देख के भौंक रहा है, नहीं पता उसको क्या दिख गया है. मुझे यहाँ से तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ होगा जिसको देख के वो भौंक रहा है, बिकॉज मेरे बच्चे ऐसे ही कभी भी नहीं भौंकते. डेफिनेटली हैव अ रीज़न टू बार्क, और वो भी इतना सस्पिशियसली अगर वो कुछ करते हैं तो आई डेफिनेटली गारंटी यू कि कुछ ना कुछ होगा अनयूजुअल जो उन्होंने देखा है. नॉट दैट इट इज़ ऑलवेज वेरी डेंजरस और समथिंग लाइक दैट, इट हैज़ टू बी समथिंग और अनयूजुअल जो रोज़ नहीं दिखता है, कभी कभार दिखा है, ऐसा कुछ अगर हो तो वो डेफिनेटली बहुत ही अलर्ट होते हैं. और मेरा शेरा तो ऐसा है कि अगर कहीं रास्ते में उसको अलग से कोई बैनर भी अगर कोई लगा के चला जाता है रात में, दूसरे दिन उसे पता चलता है. हमारा भले ध्यान ना हो, लेकिन शेरों को पता चलता है कि ये नई चीज़ हुई है, और उसको वो देख के रिएक्ट करेगा ही करे. दिस इज़ द लेवल ऑफ देयर अलर्टनेस, और हर डॉग को होना चाहिए और होते भी हैं. एंड डॉबरमैन स्पेशली आर वेरी अलर्ट व्हेन इट कम्स टू अनयूजुअल थिंग्स और एन अनयूजुअल पर्सन, अनयूजुअल कपड़े. आप नए कपड़े पहन के शेरों के सामने आ जाइए तो ही विल रिकॉग्नाइज कि समथिंग नया हैज़ हैपेंड.